अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 3 में अबू जाफर मंसूर और इमाम मोहम्मद नफस ज़किया के दरमियान जो जंग हुई थी उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू में हम इसका पस मंज़र देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब्बासी तहरीक में अब्बासियों, फ़ातमियों और अलवियों ने मिलजुल कर काम किया था और आम तासर यही था कि तहरीक की कामयाबी के बाद खिलाफत अलवियों या फ़ातमियों में से ही किसी को मिलेगी, लेकिन इक्तदार की कुर्सी उसी के कब्ज़े में जाती है जिसकी तलवार से हासिल की गई हो। लिहाजा असफ़ा के खलीफा बनने के बाद फ़ातमियों को सख्त मायूसी हुई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से इमाम जाफ़र सादिक जो छठे इमाम थे खिलाफत की ख्वाहिश नहीं रखते थे और अपने पैरोकारों को भी इससे मना करते थे, लेकिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो औलाद थी उनमें से एक बुज़ुर्ग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इस रविश को तर्क करके मंसूर के ज़माने में बगावत की। इनका नाम मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखा गया था और इनके वालिद का नाम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद से मिलता था और लोग मुजद्दद कामिल के बारे में अहादीस को भी आप पर मुंतबिक करते थे, इसलिए इनका बहुत सारे लोग जो थे वो इनका साथ देते थे। अब इन्होंने दावा खिलाफत किस तरह से किया। बनू उमैया की खिलाफत के जो आखिरी अयाम थे उसमें जब अब्बासी दावत की कामयाबी के इम्कानात रोशन नज़र आने लगे तो मदीना मुनव्वरा में बनू हाशिम के सरकर्दा जो लोग थे उनका एक इज्तिमा हुआ जिसमें असफ़ा और अबू जाफर मंसूर भी शामिल थे। ये असूल तस्लीम कर लिया गया कि कामयाबी की सूरत में इमाम मोहम्मद नफस ज़किया खलीफा होंगे। जैसा कि आपने बैकग्राउंड में पढ़ा है कि ये जो तहरीक थी अब्बासी तहरीक ये अलवियों और फातमियों के नाम पे चलाई गई थी, अहले बैत के नाम पे चलाई गई थी और इस मौका पर अहले मदीना के जो साइबर राय लोग थे उन्होंने भी इस बात की तायीद कर दी थी, लेकिन जूं ही अब्बासी कामयाब हुए तो उन्होंने इस फैसले को, ये जो मदीना में फैसला हुआ था इस इज्तिमा में, उसको पसे पुश डालकर अब्दुल्ला अस्सफा को मनसब खिलाफत पर फाइज कर दिया। लिहाजा इमाम मोहम्मद नफस ज़किया ने अब्दुल्ला अस्सफा की बैत करने से इनकार कर दिया। अहले मदीना ने अपने पुराने मौकफ पर कायम रहते हुए इमाम मोहम्मद नफस ज़किया पर उनकी बैत की और उनको खलीफा तस्लीम कर लिया। सफ़ा ने इस मौका पर हिकमत अमली से काम लिया और इमाम मोहम्मद नफस ज़किया जो थे उन पर अपने एहसानात जताकर इन्हें अपने इरादा से बाज रखने की दरख्वास्त की, इसलिए आपने सफ़ा के अहद तक खुरूज से गुरेज किया। मीन्स के कोई खुले आम इस तरह से उनके ख़िलाफ़ अब्दुल्ला सफ़ा के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बगावत नहीं की। अब इस दौरान ये होता है कि इमाम मोहम्मद नफस ज़किया की गिरफ्तारी की कोशिशें जो है वो की जाती हैं। अबू जाफर मंसूर जब मसनद खिलाफत पर फायज होने के फौरन बाद हाकम मदीना ज़ियाद बिन अब्दुल्ला को कहते हैं कि वो ताकीद करता है कि वो नफस ज़किया की जो मूवमेंट है यानी कि कहाँ आते जाते हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनकी मूवमेंट के बारे में उसे बाखबर रखे, इन्फॉर्म करता रहे। ज़ियाद ने इसे यकीन दहानी कराई कि वो बहुत जल्द इन्हें गिरफ्तार करके मरकज़ी खिलाफत रवाना कर देगा, लेकिन वो ऐसा करने पर कादिर ना हो सका, लिहाजा मंसूर ने उसे माजूल करके कैद में डाल दिया। जो नया गवर्नर अपॉइंट किया गया मोहम्मद बिन खालिद वो भी इनको अरेस्ट करने में नाकाम रहा, तो मंसूर ने उसको भी चेंज किया, उनकी जगह रिबाह बिन मंसूर को गवर्नर मदीना मुकर्रर करके उसे नफस ज़किया को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। रिबाह ने नफस ज़किया के जो वालिद मोहतरम थे और इनके तमाम जो करीबी रिश्तेदार थे उनको अरेस्ट किया और 761 ईस्वी 144 हिजरी में दारुल खिलाफत बगदाद रवाना कर दिया, यानी कि उनके जो जितनी फैमिली मेंबर्स है ना सबको अरेस्ट करके बगदाद रवाना कर दिया। लेकिन अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद
जब वो भी नफ्सुर ज़किया को और इनके भाई इब्राहिम को, जो नफ्सुर रज़िया के नाम से के लकब से मशहूर थे, उनको अरेस्ट करने में नाकाम रहा, तो उसने इनके करीबी रिश्तेदारों को कत्ल करना शुरू कर दिया, जिसमें इनके चचा अब्बास बिन हसन, इब्राहिम बिन हसन और चचा जाद भाई मोहम्मद बिन इब्राहिम शामिल थे। मंसूर के जो जासूस थे उनकी तलाश में थे, लेकिन वो इनकी रिहाइश गाह का पता चलाने में नाकाम रहे। अब अबू जाफर मंसूर के बारे में बड़ा फिक्रमंद था इन इस सिलसिले में, इसलिए लिहाजा हज की नियत करके मक्का मुकरमा पहुंचा, ताकि इस दौरान वो खुद इनकी तलाश कर सके। और इस पर नफ्स ज़किया और इब्राहिम बसरा में जाकर रूपोश हो गए, यानी कि मंसूर मक्का जाता है हज की नियत से, तो वो वहाँ से चले जाते हैं और बसरा जाके रूपोश हो जाते हैं। मंसूर इनके ताकुब में बसरा जा पहुँचा, लेकिन वो दोनों भाई वहाँ से निकल कर अदन चले गए। मंसूर मायूस होकर बगदाद वापस लौट गया। तो आप इस सारी उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंसूर इस मामले में कितना ज़्यादा कंसर्न था। तो इस दौरान वो अदन छोड़कर सिंध में रूपोश हो गए और कुछ अरसा बाद वहाँ से पलटकर कूफा चले गए। आप लोगों को पता है कि उस ज़माने में कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे कि कोई फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मुयस्सर हो। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना अरसा इनको लगा होगा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने में। दूसरी बार 757 ईस्वी 140 हिजरी में मंसूर दोबारा हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आया, तो नफ्स ज़किया और इब्राहिम भी वहाँ पे मौजूद थे, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है ना, फिर जब आता है ये। इनके वालिद मुकर्रम और दीगर जो 13 हाशमी जिनको अरेस्ट करके बगदाद ले जाया जा रहा था, तो वो भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन मंसूर फिर भी इनका सुराग ना लगा सका, क्योंकि उस ज़माने में आपको पता है कि कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी कि आपको ऑलरेडी पता हो कि फलां शख्स जो वो किस शबाहत का है, किस तरह की उसकी जो है वो शक्लो शबाहत है। कोई व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर या कोई और फैसिलिटी जो थी वो अवेलेबल नहीं थी कि हम किसी शख्स को जिसको हम जानते ना हो उसकी शक्लो शबाहत का अंदाज़ा जो वो कर सकें। तो इसलिए वो अगरचे के वहीं पे मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद वो अंदाज़ा नहीं लगा सका। यहाँ तक के दौरान सफ़र दोनों भाई जो थे वो भेस बदल कर अपने वालिद और इनके साथियों के साथ साथ आगे पीछे चलते रहे। उन्होंने अपने वालिद से खुरूज की इजाज़त चाही, लेकिन उन्होंने किसी मौजू वक्त तक खुरूज मुलतवी रखने की ताकीद की। और इस पर नफ्स ज़किया मदीना मुनव्वरा लौट जाते हैं और इब्राहिम को इराक में अपने दावत की इशाअत के लिए भेज दिया। दोनों भाइयों की जो मुस्तैदी और बाखबरी का ये आलम था कि एक बार वो भेस बदल कर मंसूर के दस्तरखान पर इसके साथ खाना खाने में भी शरीक हुए, और दूसरी बात जब मंसूर बगदाद की तामीर के दौरान इसका मुआयना करने आया, तो दोनों भाइयों के वहाँ मौजूद होने के बावजूद मंसूर और इनके जासूस जो थे उनका इलम नहीं हो सका उसको। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इमाम नफ्स ज़किया ने ऐलाने खिलाफत किस तरह से किया और क्यों किया। खलीफा अबू जाफ़र मंसूर जो था, जब उसने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो औलाद थी उसके कत्ल की ठानी, तो बिलाखिर नफ्स ज़किया ने 762 ईस्वी 145 हिजरी में अपने 250 जनसारों के साथ मदीना में वो ज़ाहिर हो जाते हैं, और लोगों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। आपने इनके साथ मुशावरत करके बकायदा अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया, और मदीना मुनव्वरा में जो है वो कसीर जो तादाद थी लोगों की, उन्होंने इनके हाथ पर बैत कर ली। लेकिन जब खुद इनके ख़ानदान के कुछ जो नामवर अफराद थे उन्होंने बैत ना की और खामोश रहे, तो लोगों को इससे बड़ी मायूसी हुई। इराक में इनके जो भाई थे इब्राहिम
नफसर रज़िया, उन्होंने भी अपनी सरगर्मियों का वहाँ पे आगाज़ कर दिया था। इमाम मोहम्मद नफसर ज़किया ने दारुल अमान पर कब्ज़ा करके, जो मदीना के उस टाइम के गवर्नर थे रब्बा, उनको अरेस्ट कर लिया और अपने जो हामी लोग थे जो कि अभी कैद में थे, जेल में थे, उनको जेल तुड़वा कर रिहा करवा लिया। मदीना शरीफ के बाद जल्द ही बाकी जो हिजाज और यमन के रियाज में जो लोग थे उन्होंने भी आपको खलीफा तस्लीम कर लिया। बदकिस्मती से जो इब्राहिम थे इराक में, वो उस टाइम पे बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इराक में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खुरूज का आगाज़ नहीं हो सका। मदीना मुनव्वरा का इंतज़ाम संभालने के बाद उन्होंने अपने एक करीबी रिश्तेदार मोहम्मद बिन हसन को मक्का की जो निज़ामत थी वो अता की, मीन्स के वहाँ पे उनको गवर्नर अपॉइंट किया। अहले मक्का ने भी इनकी खिलाफत तस्लीम कर ली। तो यमन में कासिम बिन इसहाक को गवर्नर मुकर्रर किया। हिजाज के अलावा यमन और शाम में भी इन्हें खलीफा तस्लीम कर लिया गया। यानी कि अभी एक काफ़ी बड़ा जो एरिया था जिसमें कि मक्का मुकर्रमा, मदीना का इलाका, यमन का इलाका और शाम का इलाका, वहाँ पे इमाम नफ्स ज़किया को खलीफा तस्लीम कर लिया गया था, उनके हाथ पे बैत कर ली गई थी। यानी कि एक तरफ अबू जाफर मंसूर भी खलीफा था और ये भी था। अब इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा जो है, उन्होंने भी नफ्स ज़किया जो है उनकी हमायत का ऐलान कर दिया और इस तरह से एक जो है वो पूरी जो इस्लामी दुनिया थी उसमें एक तलातुम बरपा हो जाता है कि इससे इमाम नफ्स ज़किया को बहुत तकवियत मिलती है। और इमाम मालिक ने मंसूर की बैत फसख करने का फतवा दे दिया कि मंसूख कर दें उसकी बैत, और इमाम अबू हनीफा ने अहले बैत को माली इमदाद भी फराहम की। नफ्स ज़किया और मंसूर के दरमियान अब कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, ख़तों की दावत होती है। तो अबू जाफ़र मंसूर को जब नफ्स ज़किया के ऐलान खिलाफत का इलम हुआ तो उसने इन्हें डराने धमकाने के अंदाज़ में लिखा कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह और रसूल का अहद व मीसाक है और ज़िम्मा है, अगर तुम अपने इरादे से बाज आ जाओ तो तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान और तुम्हारे पैरोकारों को जानो माल और असबाब की अमान देता हूँ। इसके अलावा जो कोई और हाजत भी तुम्हारी होगी वो भी पूरी की जाएगी। जिस शहर में तुम चाहोगे तुम्हें क़याम की इजाज़त दी जाएगी और तुम और तुम्हारे लोगों से कोई मुआखज़ा नहीं किया जाएगा। इन सब के लिए अगर तुम अहदनामा लिखवाना चाहो तो वो भी लिखा जा सकता है। ये ख़त जब इमाम नफ्स ज़किया के पास पहुँचता है तो उन्होंने जवाबन तहरीर किया कि हम तुम्हारे लिए अपनी अमान पेश करते हैं जैसी कि तुमने हमारे लिए पेश की। हकीकत यह कि हुकूमत हमारा यानी बनू फातिमा का हक है, तुम हमारे सबब से इसके मुद्दई हो और हमारे ही ग्रोह वाले बनकर हुकूमत हासिल करने को निकले और इसीलिए कामयाब हुए। फिर बनू फातिमा की फजीलत बयान करते हुए आपने फरमाया, मैं बातबारे नस्बत बेहतरीन बनी हाशिम हूँ। मेरे बाप यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनी हाशिम के मशाहिर में से हैं। मुझ में किसी अजमी की आमेजिश नहीं है और ना मुझ में किसी लोंडी बांदी का असर है। अगर तुम मेरी अतात करोगे तो मैं तुमको तुम्हारी जान व माल की अमान देता हूँ। मैं अहद का पूरा करने वाला हूँ। तुमने मुझसे पहले भी लोगों को अमान और कौल दिया था, बस तुम मुझे कौन सी अमान देते हो? आया अमान इब्ने हबीरा की, या अमान अपने चचा अब्दुल्ला की, या अमान अबू मुस्लिम की? तीनों जो सूरतों में मंसूर ने वादा खिलाफी करके इन्हें कत्ल कर दिया था। आपने पहले ये सारा पढ़ लिया हुआ है। इस ख़त के जवाब में अबू जाफ़र मंसूर जो है वो नफ्स ज़किया के लिए नहायत सख्त और नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आपके इस्तेहकाक के खिलाफत को रद्द करने की भरपूर कोशिश करता है, लिहाजा अब्बासी और फातिमी ख़ानदान का मुआजना करते हुए उसने बनू अब्बास को आला और अफजल करार दिया और दलाइल से यह बात साबित करने की कोशिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी वारिस हम ही हैं, क्योंकि वारिस होने के लिए औरतों की कराबतदारी कोई बुनियाद ही नहीं, बल्कि यह हक मर्दों के लिए मखसूस है क्योंकि उन्हीं से लोगों का नसब चलता है। इसलिए अल्लाह ताला ने चचा को आपका कायम मकाम बनाया और इन्हें करीब तरीन माँ पर
मुकद्दम किया। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त चूँकि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई औलाद नरीना जिंदा ना थी और हज़रत अब्बास इस वक्त ज़िंदा थे, इसलिए इनके सही वारिस आपके चचा थे ना कि आपकी बेटी की औलाद। नीज ज़हूर इस्लाम से कबल चाहे जमजम की तवल्लियत हज़रत अब्बास के पास थी ना कि हज़रत अबू तालिब के पास, इसलिए फातमियों के मुकाबले में खिलाफत पर अब्बासियों का हक फाइक है। अब मंसूर अबू जाफर मंसूर और नफ्स ज़किया के दरमियान जो जंग हुई उसकी हम डिटेल देखेंगे। इस कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद, इस ख़तो किताबत के बाद फ्रीकैन के दरमियान सवाए जंग के कोई खुली राह जो थी वो खुली ना रह गई थी। मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई से पहले मंसूर ने कूफा और खुरासान जाने वाली जितने भी शराहें थीं उनको उनकी नाकाबंदी करवा दी, बंद करवा दी उनको, क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि अगर जंग की कोई ख़बर इन इलाकों में पहुंचेगी तो वहाँ फौरन बगावत होने का इम्कान है। दूसरी जनब इसने अपने भतीजे ईसा बिन मूसा को 4000 सवार और 2000 पैदल फौज की कमान देकर मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया, लेकिन उसे ये ताकीद कर दी कि गिरफ्तारी की सूरत में नफ्स ज़किया को कत्ल ना किया जाए और अगर वह रूपोश हो जाए तो अहले मदीना की गिरफ्तारियाँ करना, क्योंकि वो इनके अहवाल से बखूबी वाकिफ़ होंगे। अब आले फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों में से जो तुम्हें मिलने आए इसका नाम पता लिख लेना और जो अताहत ना करे इसका मालो असबाब जब्त कर लेना। ईसा की रवानगी के बाद मोहम्मद बिन काहतबा की क्यादत में इसके लिए मजीद इमदादी फ़ौज जो थी वो भी उसने रवाना कर दी। नफ्स ज़किया ने अब्बासी फ़ौज की आमद की इत्तला पाकर मजलस मुशावरत मुनक्कद की। साथियों के मशवरे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की खंदक जो थी उसको दोबारा साफ़ किया गया। तय पाया कि जंग मदीना मुनव्वरा के अंदर रहकर लड़ी जाएगी। अब्बासी जर्नैल ने शहर का मुहासरा कर लिया और एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अहले मदीना को हथियार डालने का मशवरा दिया, जिसे इमाम नफ्स ज़किया ने रद्द कर दिया और जवाब में पैगाम भिजवाया कि मैं तुमको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की दावत देता हूँ और इसके इंतकाम से डराता हूँ। खुदा की कसम मैं उस वक्त तक अपने दावा से दस्तबरदार नहीं हो सकता जब तक कि अपने अल्लाह से ना मिल जाऊँ। तुम्हें इस हालत से बचना चाहिए कि खुदा की तरफ बुलाने वाला शख्स ही तुम्हें कत्ल करे और तुम उसे कत्ल करोगे तो उसका वबाल तुम पर होगा।